तो वेल एपिसोड की शुरुआत में ये लड़का दिखाया जाता है जो कि रेडियो शो देख रहा होता है और इसके अंदर यूही एंड यासुमी बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास एक स्टार गेस्ट आया है जो कि ओतोमे होती है। ये कहता है ये तो काफ़ी टेरेबल है एंड शायद इसी वजह से शिज़ुमी सेकंड नंबर पर रेट कर रहा है। सॉरी शिज़ुमी, लेकिन मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ। मगर शिज़ुमी को ये आइडिया नहीं होगा कि यूही एंड यासुमी हमारे स्कूल के कहीं पास में ही रहते हैं। ये लड़का उस पोस्ट को देखता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला लड़का उसी जगह से निकलता है, जिसके बाद ये दोनों दिखाई जाती है जो कि अपने स्लीप ओवर की बात कर रही होती है। और ये दोनों अब यहाँ पर आती है इसके घर के पास जो कि बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है, और अंदर आके अपनी युमिको कहती है कि तुम्हारी मॉम क्या करती है। तब वतानाबे कहती है कि मेरी मॉम एक लॉयर है। इसके बाद युमिको खाना बनाती है जो कि वतानाबे को इतना पसंद आता है कि वो एक ही बार में खाते ही जाती है भुखड़ कही की। और जिसके बाद युमिको कहती है कि तुम अपनी मॉम के लिए भी थोड़ा सा रखना और उन्हें मैसेज करके बता देना, और अपनी वतानाबे भी यही करती है। इसके बाद ये दोनों साथ में नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं, जहाँ पर वतानाबे कहती है कि दो वॉइस एक्ट्रेस ऐसे ही साथ में बात लेती है। युमिको कहती है ऐसा तभी होता है जब वो दोनों किसी पब्लिक बाथ हाउस में होते हैं, ना कि किसी के घर पर। लेकिन तुम ऐसे वियर्डली मेरे पास क्यों आ रही हो? लोग इसे यूरी कॉन्टेस्ट सोचेंगे एंड वो लोग ऐसा ही मानेंगे। वतानाबे कहती है मैं तो तुम्हें टीस कर रही थी, एंड फिर खड़ी होकर अपनी युमिको के दोनों पैरों के बीच में बैठ जाती है एंड कहती है देखो अब मेरा बैग तुम्हारी कहीं पर टच हो रहा है। युमिको इसे चिमटी भरती है और वतानाबे खड़ी होकर सामने आ जाती है, और वतानाबे की नज़र कहाँ पर जाती है ये तो तुम लोग जानते हो। और युमिको कहती है कि मेरे संतरों को ऐसे देखना बंद करो। तानाबे कहती है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, सो मैं अपने आप की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ सिवाय इनको देखने के। युमिको कहती है ये इतने भी बड़े नहीं है, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। और वतानाबे कहती है वैसे भी मैं अपने साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ। युमिको कहती है तुम काफ़ी क्यूरियस लगती हो, क्या टच करना चाहोगी? और वतानाबे कहती है मैं तुम्हारी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। युमिको सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि सच में मुझे इसे टच करने देना होगा एंड वो करने देना होगा। और वतानाबे कहती है क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगी? हो सके तो अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर ला सकती हो जिससे मैं इसे डायरेक्टली दबा सकूं। युमिको अपने घुटनों पर बैठ जाती है, जिसके बाद वतानाबे अजीब तरह से आगे बढ़ती है और इनको ज़ोर ज़ोर से दबाने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद अपनी युमिको की हालत ख़राब होती है। और वतानाबे कहती है तुम्हारा शुक्रिया युमिको, अब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। एंड इसके बाद ये इतना बोलती है जो कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, मगर ये आखिर में कहती है कि मैं तुम्हारे इनको फुल मार्क्स देती हूँ। यूनो कुछ लड़कियों वाली बातें करती है, जिसके लास्ट में वतानाबे कहती है कि मुझे अब थोड़ी सी खुशी है कि तुम मेरी वॉइस रेडियो पार्टनर हो। जिसके बाद ये दोनों अपनी एक फ़ोटो को क्लिक करते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। फिर वतानाबे कहती है कि तुम तो बिना मेकअप के भी काफ़ी क्यूट लगती हो, और युमिको कहती है मुझे ये पसंद नहीं है और ऐसा मत बोलो। वतानाबे अपनी यूही की आवाज़ में कहती है कि यू चान तुम्हें किसने वॉइस एक्ट्रेस बनवाया? और युमिको कहती है कि ये यहाँ पर कहाँ से आया? और वतानाबे कहती है कि मुझे अपनी एक इंटरव्यू मैगजीन में इसी सवाल का जवाब देना है। और युमिको कहती है कि मैंने मेंशन किया था कि मुझे क्रिटेनिया प्रीटिया काफ़ी पसंद है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम एंड ग्रैंडमा घर पर नहीं हुआ करते थे काम की वजह से, तब मैं अपना पूरा टाइम प्रीटिया की वॉइस रिकॉर्डिंग को देखने में लगा देती थी, जिसके बाद मैं फैंसेटिक हुई इसके लिए और मैं प्रीटिया बनना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास भी कोई रीज़न है वॉइस एक्ट्रेस बनने का? और वतानाबे कहती है कि हाँ, जब हमारे मॉम डैड का डिवोर्स नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है, मेरे डैड एक एनिमेटर थे एंड वो जो भी काम करते थे मुझे वो देखना काफ़ी पसंद था। जब भी वो ये कहते थे
करके ये चीज़ यहाँ पर ड्रॉ होगी तब मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती थी। और मेरा ड्रीम ये था कि मैं अपने डैड के सारे काम में उनकी मदद करवाऊँ एंड मैं एक वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पर मेरी मॉम को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, शायद वो एनीमे को नहीं समझती है एंड वो नहीं चाहती है कि जिस इंडस्ट्री में मेरे फादर थे मैं भी उस इंडस्ट्री में जाऊँ एंड फिर ये लाइट बंद करती है। फिर वतानाबे कहती है कि मैं एक जिन इंटरव्यू में मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं अपने वॉइस एक्ट्रेस के करियर पर फोकस करूँ। युमिको कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि जब भी वो टाइम आएगा तब जो भी चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है वो तुम्हारे सामने कभी भी ना आए। और वतानाबे कहती है कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं एक आइडल वॉइस एक्ट्रेस बन सकती हूँ। जिसके बाद युमिको रात को उठी होती है एंड वो एक कमरे की लाइट को चालू देखती है और वहाँ पर जाके देखती है तो वातानाबे की मॉम बैठी होती है और ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद इसकी मॉम खाना खा रही होती है एंड वो कहती है से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं कि तुम एक वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हो। युमिको कहती है मेरी मॉम ने मुझे कह रखा है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ एंड ये कहती है कि अच्छा तुम वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हो लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि ये वॉइस एक्ट्रेस का काम अच्छा है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और इसकी वजह से तुम्हें नहीं पता है कि अगली सुबह कैसी होगी एंड जिस जॉब की कोई भी गारंटी नहीं है वो जॉब कैसे अच्छी हो सकती है। अभी के लिए सब सही है लेकिन बाद में उसे खुद को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, जाके मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। युमिको कहती है मुझे लगता है कि आपको उसे ब्लेसिंग देनी चाहिए ताकि वो एक वॉइस एक्ट्रेस बन सके। ये कहती है उसने मुझसे परमिशन ली थी जब उसने थिएटर ट्रॉप्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था एंड इसके बाद उसने मुझसे कहा कि वो अपने शाइनेस को ओवरकम करना चाहती है। जिसके बाद मुझे पता चला कि वो किसी एजेंसी के लिए गाना शुरू कर रही है भी वॉइस एक्टिंग के लिए, लेकिन इस चीज़ ने उसे मॉक बना दिया है। अभी उसकी तस्वीरें मैगजीन एंड इंटरनेट पर मिल सकती है। इस जॉब ने उसे यूथ एंड फेमिनिस्ट्स का एक सेल बना दिया है। मुझे पता है कि इसके एंड में वो रोते हुए मेरे पास आएगी एंड ये चीज़ वो पता नहीं क्यों नहीं देख पा रही है। युमिको कहती है मैं आपकी बात से एकदम एग्री करती हूँ, मैं 3 सालों से इस काम को कर रही हूँ लेकिन मुझे ये सब कुछ कचरा लगता है जब से मेरे पास कोई भी काम नहीं है। एज अ वॉइस एक्ट्रेस मुझे नहीं पता है कि मेरे फ्यूचर ने मेरे लिए क्या थाम रखा है, लेकिन युकिरे यूही एकदम अलग है। उसके पास स्किल है जिससे वो इस इंडस्ट्री को बना सकती है। मैं हमेशा उससे जेलस होती हूँ, लेकिन वतानाबे एक ग्रेटेस्ट वॉइस एक्ट्रेस बनेगी। और इतना बोलते हुए अपनी युमिको काफ़ी नर्वस हो जाती है। मिको को ये खुशी है कि युकिरे यूही इसकी एक पार्टनर बनी है। जिसके बाद ये जाने वाली होती है और दरवाज़ा जैसे ही खुलने वाली होती है तो कोई यहाँ से भाग जाता है जो कि असल में तो हमारी वतानाबे होती है। जिसके बाद अपनी युमिको कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वतानाबे सोने का नाटक कर रही होती है। तो जिसके अगले दिन पर युमिको जाने वाली होती है और वतानाबे कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार ये कहूँगी, मैं भी तुमसे काफ़ी जेलस होती हूँ, लोग तुम्हें एंड्योर करते हैं, ओतो में असाका एंड बाकी स्टाफ भी तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं, यहाँ तक मेरी मॉम भी तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। मैंने देखा कि तुम एक थ्रेट वॉइस एक्ट्रेस हो, जब मैंने तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा तब मैं खुद से ऐसे फोर्स हुई कि तुम्हें अच्छा कह सकूं एंड तुम्हें एक चांस चाहिए जिससे तुम राइज करोगी। जो पर्सन युकिरे यूही का माइंड को ऑक्यूपाइज कर सकता है वो पर्सन तुम ही हो उतातने यासुमी, प्लीज इस चीज़ को मत भूलना एंड यहाँ से चली जाती है। युमिको कहती है क्या ये कोई सपना था, आखिर यहाँ पर क्या हुआ एंड मैं इतनी ओवरजॉय क्यों हो रही हूँ उसके अडॉप्शन के बाद।
ज्यादा सोचकर यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद कामुरो दिखाया जाता है जो कि इसकी पोस्टर देखता है और कहता है कि ये तो हमारे स्कूल का बैग है। फिर वो शो की आवाज़ सुनता है जहाँ पर युगिरे कह रही होती है कि हम दोनों सेम ही क्लास में है, क्लास ए में। ये कहता है कि उसने कहा कि वो क्लास ए में है, इसका मतलब है कि वो भी मेरे साथ है। जिसके बाद युमी को जा रही होती है एंड वो देखती है कि न्यूज़ में एक फेमस डायरेक्टर ने अपने एनीमे के मेन कास्ट के लिए युगिरे युही को सिलेक्ट कर लिया होता है। और युमी को कहती है चाहे मैं कितना भी कर लूँ लेकिन मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती हूँ। के बाद रेडियो स्टेशन में ये बंदा कहता है कि अब इनका ये जो सीजन है वो एंड होने वाला है, वो भी 4 एपिसोड के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और असाका कहती है कि सॉरी लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। एंड युमी को सोचती है कि मैंने भी काफ़ी टाइम पहले नोटिस कर लिया था कि ये इतना फेमस नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगी लोगों को एक्साइटेड करने के लिए। और तभी वतानाबे भी आ जाती है। असाका बताती है कि इनका रेडियो शो 4 एपिसोड के बाद ख़त्म होने वाला है और इसका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता है, मगर युमिको का फेस रोने जैसा हो गया होता है। के बाद अपनी असाका कहती है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट को यहीं पर भूल गई थी यूही। और युमिको कहती है कि तुम्हें हमारे शो ख़त्म होने से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है ना। और यूही कहती है कि लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे एग्रेसिव टोन में बात क्यों कर रही हो। युमिको कहती है मैं काफ़ी इरिटेड हूँ क्योंकि मेरे पास इसके बाद कोई भी काम नहीं है, तो बस अब बैंकिंग करूँगी एंड अपना बेस्ट दूँगी। इन दोनों की बहस शुरू होती है। फिर युमिको बोलती है कि इनका शो जल्द ही बंद हो जाएगा तो इसके लिए तो ये अच्छा है क्योंकि इसे तो एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है, वो एनिमे वाला, वो तो तुम्हें ज़्यादा ही फोकस करवाएगा ना। यूही कहती है मैंने अपने हर प्रोजेक्ट में अपना 100% दिया है लेकिन तुम इतना हार्ड ट्राई क्यों कर रही है। युमिको कहती है कि मैं तुमसे जेलस हूँ एंड बोलती ही जाती है। तब यूही कहती है प्लीज़ बोलना बंद करो, मगर फिर युमिको कहती है कि तुमने ज़रूर डायरेक्टर के साथ कुछ ऐसा वैसा किया होगा है ना। एंड जिस बात पर अपनी युही को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये बंदा कहता है कि अभी हमें इस रिकॉर्डिंग को ब्रेक देना चाहिए, जिसके बाद युही यहाँ से चली जाती है। साका कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये पसंद नहीं है, वैसे क्या हुआ था। युमिको कहती है मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। असाका कहती है प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है एंड तुम मेरे सामने रो सकती हो। नयुमी को रोने लगती है और बताती है कि उसे ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं किया गया और मीनवाइल युगिरे युही को बड़ा रोल मिला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जेलस एंड पथेटिक हो गई है। उसे पता चला कि शो बंद होने वाला है लेकिन वतानाबे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इसी वजह से उसने ये सारी चीज़ें कह दी। उसे लगता है कि वो काफ़ी सीक है। असाका कहती है वो भी शॉक थी एंड वो कुछ भी नहीं भूली है, ये इस दिन में दूसरी बार था। देखो उसकी स्क्रिप्ट ये एकदम ब्लैंक है, जबकि कि वो अपने स्क्रिप्ट्स की डिटेल एकदम लिख देती है, लेकिन इस बार ये चीज़ खाली थी एंड उसका माइंड कहीं और था। इस मीटिंग के बाद वो तभी किसी प्रोजेक्ट में काम करती है जब उसे पता चलता है कि लोग उससे काफ़ी खुश होते हैं, ये काम करना पसंद है। एंड फिर इसके सर पर कूल पैक लगाती है और कहती है कि अब हमें क्या करना है। युमिको कहती है मैं उसके पास जाऊंगी एंड माफ़ी मांगूंगी, मैं उसके पास स्कूल जाऊंगी कल और फिर उसके आंखों में आंखें डालकर उससे माफ़ी मांगूंगी। बाद युमिको माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे ओतोमे का कॉल आता है, जिसमें वो परेशान होती है एंड कहती है कि क्या तुमने युगिरे युही की न्यूज़ सुनी है। युमिको कहती है कौन सी वाली जिसमें उसे मेन लीड का रोल मिला है वो एनीमे में। कहती है कि सिर्फ युगिरे युही सर्च करो एंड जब ये सर्च करती है तो यहाँ पर फ़ोटोज़ के साथ इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखी होती है। एंड फिर अपनी युमिको कहती है नहीं ये सच नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टर के बारे में और इसके बारे में कई ख़राब चीज़ें लिखी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।